हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और मैं आज वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूं। आपको टॉपिक दिख रहा होगा बोर्ड में, रोटेशनल मोशन। और ये देखिए, मैं एकदम एलिमेंट्री चीज़ भी नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं, और बहुत एकदम एक्सट्रीम एंड वाला चीज़, मतलब बहुत हायर स्टैंडर्ड वाला चीज़ भी नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मैं एक्चुअली बना किसके लिए रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी अपकमिंग जेई मेन या जेई एडवांस के लिए या इवन नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम अनाउंस्ड हो गया है। बहुत कम समय है। आप चाहते हो कि कितने कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो उसका कॉन्सेप्ट, ताकि आप जो चीज़ पढ़ चुके हो और भूल भी रहे हो तो वो तुरंत जल्द से रिकॉल हो जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज रोटेशन मोशन में कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है जिस पर सवाल भी पूछा जा सकता है, जाता भी है ना, पूछा गया भी है इसके पहले, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर दूंगा एक शॉर्ट टर्म पे, एक रिवीजन लेक्चर की तरह। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और डिस्कशन का डोमेन क्या है? एक स्फेरिकल बॉडी जब ट्रांसलेशन से रोटेशन पे आता है और तब पूछा जाता है, चाहे वो स्फेरिकल बॉडी है या डिस्क है या रिंग है, इस तरह की ज्योमेट्री के साथ दिया होता है कि अगर एक स्टार्टिंग मोशन उसमें सिर्फ मान लीजिए ट्रांसलेशन है ऑन ऑफ सरफेस, या ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन है, ठीक है, और तब पूछा जाता है कि वो प्योर रोटेशन में आएगा तो सेंटर ऑफ द रोलिंग बॉडी स्टार्टिंग विथ ट्रांसलेशन कितना होगा। तो चलिए उसी चीज़ को कोई भी एक ज्योमेट्री से कर लेते हैं, ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। खाली आई का चेंजेस होगा तो वो आप अलग अलग बॉडी के लिए वो अप्लाई करके यू कैन रिवाइज इट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल बॉडी के बारे में, है ना। स्फेयर, ठीक है, कैसा स्फेयर? सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर पे डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको एकदम रिवाइज हो जाए पूरा बात। तो मान लेते हैं ये एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, ये एक है सॉलिड स्फेरिकल बॉडी इनिशियली रेस्टिंग ऑन अ रफ सरफेस। इसका मास m है, रेडियस है r, ठीक है, और इसका रेडियस है। इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज मार्क्ड एज a है वो पॉइंट जो कि कॉन्टैक्ट में है विद द रफ सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है ना। अब मान लो इनिशियली एट t इक्वल टू जीरो सिचुएशन में दे रहा हूँ, t इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग इंस्टेंट, एकदम शुरुआती दौर पे, शुरुआत इंस्टेंट पे, है ना। क्या दिया हुआ है? ये स्फेरिकल बॉडी का सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी है ना u दिया है, एक इनिशियल वेलोसिटी u दिया है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार्टिंग एट t इक्वल टू जीरो विथ इनिशियल वेलोसिटी गिवन एट इट सेंटर ऑफ मास एंड दैट मोशन बिगिंस ऑन अर ऑफ सरफेस। तो क्या होगा, जैसे ही ये स्फेरिकल बॉल रोल मतलब ट्रांसलेट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेगा, इमीडिएट ये पॉइंट जो है t इक्वल टू जीरो में, इस कंडीशन का मतलब है पॉइंट ऑफ a tries to move rightward on the rough surface, on the rough horizontal surface, है कि नहीं। रफ हॉरिजेंटल सरफेस में वो राइटवर्ड मूव करने का सोचेगा। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी जैसे ही इनिशियल वेलोसिटी लाने का सोचा अपना मोशन में, तुरंत क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट जिसको मार्क किए हैं ए, उसमें फ्रिक्शन फोर्स काउंट होगा, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और इस बॉडी का ये हो गया सेंटर, इसका वेट मान लो एक्ट कर रहा है एम जी, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन भी उसके अगेंस्ट में क्या होगा, एन विल बी द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा।
अपवर्ड डायरेक्शन में जो है उसमें क्या होगा, फोर्स काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे ही अपवर्ड होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी बैकवर्ड। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये फ्रिक्शन फोर्स का एक्ट होने का मतलब क्या है कि फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, सो देर मस्ट बी अ लीनियर एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ मास में एक लीनियर एक्सेलरेशन बैकवर्ड की तरफ बनने लगेगा। तो जैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन बैकवर्ड बनेगा क्या होगा, दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द स्टार्टिंग वेलोसिटी, है होगा कि नहीं। जैसे ही मान लो ये बॉडी स्टार्ट किया मूव करना, फ्रिक्शन उसको रोकेगा, प्रोड्यूसिंग अ लीनियर रिटार्डेशन, सो दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द लीनियर वेलोसिटी। तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस, इससे लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो वी दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, उसमें रिटार्डेशन लगेगा। और रिटार्डेशन जो होगा किसके वजह से, फ्रिक्शन फोर्सेस प्रोड्यूसिंग रिटार्डेशन, तो लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ये होगा फर्स्ट जॉब, ये होगा पहला काम किसका, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन की वजह से ये फर्स्ट इफेक्ट। एक और इफेक्ट होगा, सेकेंड इफेक्ट होगा फ्रिक्शन का, क्या होगा, अबाउट द सेंटर ओ सेंटर के अबाउट में क्या होगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, है ना। फ्रिक्शन फोर्स सेंटर के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये जो अवेलेबल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। तो टॉर्क जो है ये देखो, ये एक्सिस का काम करेगा सेंटर पे, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे जा रहा है यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो दिस विल गिव यू अ क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक टॉर्क बनेगा, वो कौन बनाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट विल बी इक्वल टू आई इनटू अल्फा, ठीक है। एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस होगा इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो वो अल्फा हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एम जी, ठीक है, म्यू एम जी इनटू आर टॉर्क बाय आई, ये होगा अल्फा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जैसे ही अल्फा बना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उस अल्फा का इफेक्ट क्या होगा, देखो आफ्टर टी सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज ड्यू टू अल्फा प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और वही टॉर्क की वजह से जो अल्फा बना, उस अल्फा के वजह से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा टी। इनिशियल एंगुलर स्पीड तो नहीं था पार्टिकल में, इस रोलिंग बॉल में, ये जो स्फेरिकल बॉल दिया है जिसमें एक इनिशियल ट्रांसलेशन मोशन दिया है, क्या उसमें कोई एंगुलर स्पीड था शुरू में, नहीं था। तो इस ऑर्डर में अगर मैं देखूं तो ओमेगा इनिशियल इज जीरो, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसीलिए लिखा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। अब वो एंगुलर एक्सेलरेशन के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, म्यू एम जी आर बाई आई इनटू टी, ये होगा ओमेगा, यानी कि टी सेकेंड के बाद स्फेरिकल बॉल को देखेंगे तो एट अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब जो है ये उसका रेडियस है सेंटर ओ, अब इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी, जो भी ये है दिस भी, राइट,
और इसमें एक ओमेगा भी है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इस ओमेगा के वजह से अब हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट को अगर मैं मार्क करूं, लेट द न्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट इज बी, पहले स्टार्टिंग में वो कौन था, ए था, अब उस पॉइंट में, अब कॉन्टैक्ट में स्फेरिकल बॉडी का सरफेस का कोई दूसरा पॉइंट आया है, तो अब जो बी में होगा, अब वो बी में क्या होगा, देखो बी में एक तो होगा फॉरवर्ड वेलोसिटी भी जो कि सेंटर ऑफ मास के बराबर है, और दूसरा ओमेगा की वजह से एक बैकवर्ड वेलोसिटी होगा ओमेगा इनटू रेडियस, कारण ओमेगा तो हर पॉइंट में ही होगा, ओमेगा हर पॉइंट का ही जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसमें भी क्लॉकवाइज ओमेगा काम करेगा, तो सो ड्यू टू ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो ओमेगा इनटू आर। तो यहां लिखेंगे इफ v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर एट b, अगर b पॉइंट में v ओमेगा आर से ज्यादा है ना, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट रोल आई मीन इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी कंटिन्यूड। समझ रहे हो, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी कंटिन्यूड। फ्रिक्शन फोर्स का जो इफेक्ट था, क्या क्या इफेक्ट था, एक तो ये प्राइमरी इफेक्ट था लीनियर एक्सेलरेशन अगेंस्ट द मोशन बनाना, ये दूसरा इफेक्ट था ठीक है एंगुलर एक्सेलरेशन बनाना, यानी कि वो जब तक वी ओमेगा आर से ज़्यादा होगा तब तक क्यों कह रहे हैं कि फ्रिक्शन विल कंटिन्यू इट्स रोल, उसका इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जब तक वी ओमेगा आर से ज़्यादा होगा तब तक पॉइंट बी का वेलोसिटी एट बी विल बी इन दिस डायरेक्शन विच विल बी मैग्नीट्यूडिकली वी माइनस ओमेगा। जब तक बी पॉइंट का वेलोसिटी वी माइनस ओमेगा फॉरवर्ड होगा जिस डायरेक्शन में उसका ट्रांसलेशन था, तब तक वहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे की तरफ काम करेगा एंड ये दोनों रिजल्ट को कंटिन्यू करता जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर है ठीक है ना। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जब अब मान लो वही स्फेरिकल बॉडी का अब लोअर मोस्ट पॉइंट में कोई दूसरा पार्टिकल आया P ठीक है, अब ये मत सोचो कि स्फेयर क्यों सा छोटा हो गया, ये आर्गुमेंट नहीं है, अब वहाँ उतना जगह नहीं है पूरा लिखने के लिए तो मैंने छोटा सा ड्रॉ किया, ये नहीं है कि वो पूरा कॉन्सेप्ट छोटा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ठीक है कि नहीं। तो वेलोसिटी एट पी, अब पी में क्या हो गया, इस पॉइंट में अब मान लो उसके बाद भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो वी डैश हो गया, अब मान लो ओ पॉइंट का वेलोसिटी वी से और कम हो गया वी डैश ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली ओमेगा को भी मैं ओमेगा डैश बना दिया जो पहले से और ज़्यादा है। अब क्या हुआ, ये न्यू सिचुएशन में आके इस पॉइंट का वी डैश और इधर का ओमेगा डैश इन टू आर ये दोनों इक्वल हो गया, वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इन टू आर हो गया। तो जब ये कंडीशन आएगा देन इट विल बी नोन एज दिस इम्प्लाइज दैट प्योर रोटेशन। अब ये आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोटेशन, यानी कि अब स्फेरिकल बॉडी प्योर रोटेशन पे आ गया ठीक है। कब आएगा, जब भी बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का जैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो गया, वी कैन एक्सप्रेस द सिचुएशन लाइक दिस कि उस समय ये स्फेरिकल बॉडी का क्या हुआ, देखो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट P है तो दिस इंप्लाइज दैट नेट वेलोसिटी ऑफ P इज जीरो ठीक है, और उस समय का पॉइंट O का वेलोसिटी है वी डैश, और ये जीरो होने का कारण क्या है कि यहाँ जो वी डैश था और इधर जो ओमेगा डैश आर था ये दोनों इक्वल हो गया, और यहाँ मैग्नीट्यूडिकली इक्वल हुआ, काउंटर बैलेंस हो गया बिकॉज दे आर जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन दूसरा पॉइंट का सोचो, टॉप मोस्ट पॉइंट का यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ मास की वजह से वी डैश यहाँ भी फॉरवर्ड है
और इस पॉइंट में तो ओमेगा इस ऑर्डर में था ना, तो यानी कि यहाँ प्लस ओमेगा डैश आर होगा, तो ओमेगा डैश आर का वैल्यू वी डैश के बराबर है, जिस कारण से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जीरो, यानी कि ये हो जाएगा टू वी डैश। समझ में आया? अगर इधर का पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ वी डैश और इधर जो है ओमेगा डैश आर, दैट इज वी डैश, यानी कि हर पॉइंट का नेट वेलोसिटी डिफर करने लगेगा। ठीक है, इसको P कहा, अब मान लो ये कुछ दूसरा पॉइंट है, मान लो ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, ऐसे कोई भी पॉइंट को देखोगे तो उसका हम लोगों को अलग अलग नेट वेलोसिटी मिलेगा। तो किसी भी पॉइंट का नेट वेलोसिटी अब डिसाइड होगा बाय द रिजल्टेंट ऑफ V डैश एंड ओमेगा डैश आर। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट का मैक्सिमम हो जाएगा फॉर अ प्योरली रोलिंग बॉडी, बॉटम मोस्ट पॉइंट का जीरो होगा। इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा और कहीं भी नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। सिर्फ एक वो अकेला पॉइंट पी डैश पी जो है वो इंस्टेंटेनियसली रुक जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटली रुकेगा, इसका मतलब है नाउ एट दिस इंस्टेंट ऑल द पोजीशंस, ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट्स आर रोटेटिंग अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। सभी अब किसके अबाउट घूम रहा है? नाउ ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ऑल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटिंग, rotating about the point of contact P, ठीक है, सभी कोई P के about rotate कर रहा है इस instant में आके। pure rotation में जैसे आया, हर एक point object चाहे वो surface का object है या within the body solid geometry अगर है तो inside में भी जहाँ भी होगा, हर कोई पॉइंट का जो रोटेशन है वो पी के अबाउट होगा। इसीलिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो ये दे देगा कि कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है, चाहे ये रिंग है, डिस्क है, या मान लो जैसे मान लो डिस्क हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल ये डिस्क है और ये प्योर रोलिंग में है, तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि जब भी प्योर रोलिंग होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट इफ इट इज मार्क्ड एज पी तो उसका नेट वेलोसिटी क्या होगा? वी पी जीरो, और उस समय सेंटर ऑफ मास का मान लो वेलोसिटी दिया है वी नॉट। अब तुमको पूछा कि बताओ कुछ पॉइंट को मार्क किया, मान लो ये पॉइंट ए, इधर एक पॉइंट मार्क किया बी, ताकि ये ओ बी जो है ये मान लो 60 डिग्री पे है। ठीक है, और डिस्क है तो सॉलिड ज्योमेट्री मतलब पूरा सरफेस में है, तो बीच में मान लो पूछा कि ये यहाँ एक पॉइंट मार्क कर दिया, देखो इधर एक पॉइंट मार्क कर दिया सी, सी कितना है आर बाई टू में, अगर रेडियस आर है तो सी को ओपी लाइन में रखा लेकिन आर बाई टू डिस्टेंस में रखा फ्रॉम सेंटर। अब पूछा कि अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है ये डिस्क, ठीक है, प्रोवाइडेड पी का वेलोसिटी जीरो है, तब ए बी और सी का वेलोसिटी बताओ। तो बहुत सिंपल है, ए का वेलोसिटी क्या होगा, ए बीइंग द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ए पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऐसे होगा, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी प्लस ओमेगा आर जो है इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट का वी नॉट इधर और करस्पॉन्डिंग ओमेगा नॉट इन टू आर भी इधर, यानी कि जब प्योर रोटेशन हो रहा है मतलब डेफिनेटली इसका एक एग्जिस्टिंग एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, दैट इज ओमेगा नॉट। तो ये ओमेगा नॉट इन टू आर, तो यानी कि ये दोनों मिला के क्या होगा टू वी नॉट, ये हो गया वेलोसिटी एट ए। ठीक है, उसी तरह मान लो बी, बी का ज्योमेट्री ये ओ है, ओ के साथ ये 60 डिग्री बताया बी पे, ठीक है ना, तो बी का भी सेंटर ऑफ मास के जैसा लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ओमेगा नॉट इन टू आर की वजह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी नॉट है वो इधर होगा। तो अब ज्योमेट्री ध्यान दो, ये 60, ये 90, और अगर ऐसे करके देखिए यहाँ से एक डॉटेड लाइन वर्टिकल ड्रॉ करे तो 60 ये 30 फिर 60 ये 30 है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये एंगल मैंने 60 लिया, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90, फिर यहाँ से उस बी पॉइंट से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन लिया तो ये 60 यहाँ 30, तो रेस्ट दिस इज 60 दिस इज 30,
समझ में आ गया। तो यानी कि वेलोसिटी एट बी हो गया अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस टू वी नॉट इंटू वी नॉट यानी वी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस 30। तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, रूट थ्री, ठीक है। तो ये रूट थ्री बाई टू लिखेंगे तो टू कटेगा, तो यहाँ रूट थ्री रहेगा वी नॉट स्क्वायर, तो इधर टू वी नॉट स्क्वायर और यहाँ रूट थ्री वी नॉट स्क्वायर। तो मतलब वी नॉट को बाहर लेंगे, वी नॉट को बाहर लेंगे तो इधर रह जाएगा टू प्लस रूट थ्री, इतना हो जाएगा हमारा बी का वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना। उसी तरह सी का देखो, तो सी का लीनियर वेलोसिटी विल बी एस सेम एज दैट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और सी पे जो ओमेगा है वो तो उतना ही काम करेगा जो दूसरा सभी पॉइंट का है, यानी ओमेगा नॉट विल स्टिल बी एक्टिंग क्लॉकवाइज, लेकिन उसका रेडियल डिस्टेंस आर बाई टू है, तो अब ये जो है हो जाएगा बैकवर्ड ओमेगा नॉट इन टू आर बाई टू। तो ओमेगा नॉट इन टू आर बाई टू का मतलब क्या है, वी नॉट बाई टू। तो यानी कि सी का नेट वेलोसिटी हो गया इधर, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सी हो गया वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू, दैट इज वी नॉट बाई टू फॉरवर्ड, है ना, सामने की तरफ वी नॉट बाई टू। वो पॉइंट नहीं रुका जबकि वो भी ओपी लाइन पे ही है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम लोग प्योर रोटेशन को समझ सकते हैं कि कैसे लीनियर मोशन से शुरू होकर बॉडी प्योर रोटेशन में आएगा, और जब प्योर रोटेशन में आएगा तो प्योर रोटेशन में आने के बाद डिफरेंट पोजीशन का वेलोसिटी हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ प्योर रोटेशन। समझ में आ गया सबको, आई होप सो। अगर इसमें इसको अच्छा से ना इसको अच्छा से रिवाइज करो और इससे अपने कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाओ, मैं एक और वीडियोस के बाद बनाऊंगा जिसमें मैं प्योर रोटेशन स्टेट पर कुछ न्यूमेरिकल्स बैक टू बैक दो चार न्यूमेरिकल्स है ना अच्छा वाला प्रॉब्लम्स जो एकदम ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल चैलेंजिंग जेई लेवल का है ना, उस तरह का प्रॉब्लम्स कुछ मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छा से रिवाइज कर लो, आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोटेशन है आप समझते नहीं हो कि कैसे ट्रांसलेशन मोशन से बॉडी प्योर रोटेशन में आता है, तो वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत अच्छी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आपको इसको अच्छा से फॉलो करना है, पढ़ना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है ना, एक बार नहीं होगा तो दो बार तीन बार, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं इसको जांच करना है तो क्या करना है, अपने से कुछ है ना, अपने से कुछ प्रॉब्लम्स पिकअप करना है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो भी आपके पास बुक है सभी बुक में इस तरह का क्वेश्चंस लगभग है, चाहे आप एच सी वर्मा यूज़ करते हो, अरिहंत या दूसरा कोई भी कंटेंट यूज़ करते हो, है कि नहीं, तो आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा, आप उसको ट्राई करिए, है ना। नहीं होगा तो मैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आ रहा हूँ आपके पास रोटेशनल मोशन में, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे फॉर प्योर रोटेशन, ताकि आपका जेई मेन जेई एडवांस या नीट का तैयारी में सपोर्ट मिल जाए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय एंड। और आपको मेरे लिए करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो वेरी वेरी थैंक्स। और आपको साथ में इतना करने से काम नहीं चलेगा, सपोर्ट करना है चैनल को लगातार कॉन्स्टेंटली, शेयर करना है वीडियो को, दूसरे को बताना है, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे इस चैनल में, जितना मैं देखूंगा कि नए नए बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए, दूसरों को बताइए इसके बारे में, इस चैनल के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, बनाने के लिए जो जज्बा है इंथू है वो कहाँ से आएगा, वो आपके आपसे ही आएगा, आपका इंट्रैक्शंस, आपका जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा चैनल के साथ उतना काम करने का और वीडियो बनाने का जज्बा बढ़ जाता है। सो एनकरेज मी टू डू मोर फॉर यू। ओके, थैंक यू, बेस्ट।